ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। फाइनली आदि पुरुष के मेकर्स ने माफ़ी मांग ली है। जी हाँ, नेपाल में हुए लगातार बवाल के बाद, क्योंकि सीता माता का जो जन्म स्थान है वो गलत बताया गया था उसमें, इसके कारण से पूरा नेपाल बहुत ही खफा था। लगातार वहाँ से प्रदर्शन आ रहे थे और इसको बायकॉट करने का फिल्म जो है वो बोला गया था। और यहाँ तक कि नेपाल ने बोल दिया कि हम बॉलीवुड फिल्म ही नहीं देखेंगे। सोचिए, लगातार पहले तो नेपाल इनके डायलॉग्स से काफ़ी नाराज़ थे नेपाल वाले, और वो लगातार इसके विरोध में थे कि ये डायलॉग्स जो है गलत लिखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा उनको जो ख़राब लगा वो सीता माता का जो जन्म स्थान है इसमें बहुत गलत बताया गया है, और बाकी डायलॉग्स पर विवाद तो चलते ही आए हैं। अब इस पर जो है आदि पुरुष के मेकर्स ने माफ़ी मांग ली है, वो भी लिखित में। उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखित में नेपाल से माफ़ी मांगा है। उन्होंने कहा है, मुझे किसी की या हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। जो मनोज मुल्तसिर हैं उनको नहीं पता था कि शायद ये डायलॉग्स इनके इतने विवादित हो जाएंगे और बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा कर देंगे। अब देखने की बात है कि क्या फिल्म में किस तरह से डायलॉग चेंज किए जाते हैं और किस तरीके से ये फिल्म अब लोगों की नज़रों से बच पाएगी, क्योंकि लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है, देश में विरोध पूरी तरीके से हो रहा है। अब ये सवाल है कि आदि पुरुष के जो मेकर्स हैं किस तरीके से इस फिल्म को लोगों के दिलों में उतारते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से दिल में तो नहीं उतरेगी क्योंकि अब तो मामला ख़त्म है।